अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू लेके आई हूँ लिवॉन हेयर सीरम का। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी शायद किया हो, ठीक है, लेकिन मैंने ये काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं न्यू बाय करके लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं रिव्यू करती चली जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है मेरे व्यूवर्स को भी पता होनी चाहिए कि आप लोग जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये लिवॉन हेयर सीरम है, ये क्लेम करता है कि फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए। इसके अलावा ये विटामिन ई है इसमें, लाइट वेट फार्मूला है इसका, और इसकी माइल्ड फ्रेगनेंस भी है। दूसरी साइड पे जो है यहाँ उन्होंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने इसको जो है वो ड्राई और कूल प्लेस पे रखना है, सनलाइट से दूर रखना है। ठीक है, बाकी एक तरफ जो है इसका मेथड आप उन्होंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अपने बाल जो है शैम्पू करने के बाद आप लोगों ने टावल से जो है इनको थोड़ा ड्राई कर लेना है, डैम्प हेयर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपनी हथेली पर फ्यू ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं, 3-4 ड्रॉप्स। ठीक है, जितने आपके बालों पे अप्लाई हो सकते हैं आपने ले लेने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी रूट्स पे अप्लाई नहीं करना हेयर सीरम, कोई भी अपनी रूट्स पे अप्लाई नहीं करते। ठीक है, आपने अपनी लेंथ पे जो है बालों की इसको अप्लाई करना है। तो इसको ओपन करने पे आप लोगों को जो कुछ इस तरीके से ये बॉटल नज़र आएगी। ठीक है, मैं आपको अभी डिटेल बताती हूँ इसकी। तो ये छोटी बॉटल है, ठीक है, इसमें इसका बड़ा साइज़ भी अवेलेबल है। ये स्मॉल साइज़ था इस दफ़ा लेके आई मैं, तो इसमें जो है इसका लार्ज साइज़ भी है। तो आपने क्या करना है, इसके कुछ ड्रॉप जो है आपने अपने थोड़े थोड़े गीले माइल्ड जो है ना, इसकी फ्रेगनेंस भी है, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे हमने लेके दोनों हथेलियों पे लगा लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी रनी है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ पे जो है वो इसके दो ड्रॉप्स आप लोगों को लेके दिखाए हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही आपने लेना है। ठीक है, तो लेंथ वाइज आपने लगा लेना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके जो बाल उड़े होते हैं, फ्रिजी हेयर्स होते हैं, ठीक है, और टेंगल्ड हेयर्स होते हैं, इनको जो है ये सिल्की बनाता है और शाइनी। ठीक है, और इससे जो है आपके बाल जो है ये प्रोटेक्ट करता है कि ये ब्रेकेज भी ना हो उनकी। इसके अलावा जो है आप लोगों के बाल अगर मतलब टेंगल्ड हेयर्स हैं आपके, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग इसको अपने जो है बालों की टिप्स जो हैं, ठीक है, आप उन पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है जब ड्राई हो जाएं आपके बाल कम्प्लीटली, तो फिर आप लोग जो है कॉम किया करें, इससे जो है बाल ख़राब नहीं होते। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।